मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद हनुमान बेनीवाल का तंज सुनिए। कोई राहुल की यात्रा में जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस के नेता और राहुल की यात्रा के फोटो कैसे वायरल हो रहे हैं बताओ। फिल्मी हीरोइनें जा रही साथ, राहुल तो मेरे को लग रहा है कि इसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए। राहुल गांधी आपने वो वीडियो देखे क्या? आप बताओ कौन सा इंग्लैंड अमेरिका है जैसे हरकतें कर रहा है पागलों की तरह? इसका टाइम पे इलाज क्यों नहीं कराते इसका समय पे? और मैं तो कहना चाहूंगा इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, कब करेगा शादी? पूरा मामला आपको बताऊं तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे राजस्थान की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना की राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की एक फोटो पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किसान की बेटियां राहुल से चिपक चिपक कर फोटो ले रही है, क्या उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है? दरअसल दिव्या मदेना हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। मदेना के यात्रा में शामिल होते ही उनकी राहुल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर तैरने लगी। वहीं बुधवार शाम होते होते इस फोटो ने सियासी रंग ले लिया और नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर लोग दिव्या मदेना पर तंज कसने लगे। दरअसल ओसिया विधायक ने राहुल की यात्रा के दौरान अपना एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है और राहुल गांधी उनका माथा चूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि फोटो 20 और 21 नवंबर के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लिया गया है। फोटो पर तंज कसते हुए आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई तंज कसे हैं। बेनीवाल ने सरदार शहर उपचुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि किसान की बेटियां चिपक चिपक कर फोटो ले रही है, क्या इससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? बता दे रैली के दौरान हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा है कि उनकी अक्ल का दिवाला निकल गया है। इतना ही नहीं बल्कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं अशोक गहलोत से अपील करता हूं कि राहुल गांधी की शादी करवाई जाए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, ये क्या कोई इंग्लैंड और अमेरिका थोड़े ही है जो आधे कपड़ों में लोग घूम रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि लाड प्यार अलग होता है, किसी का स्नेह अलग होता है, लेकिन इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल भी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता जो सस्ती लोकप्रियता के लिए यह कर रहे हैं। एक बड़े अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी उम्र 55 साल हो गई है, इसीलिए मेरी कांग्रेस नेताओं से अपील है कि आपस का झगड़ा छोड़ो, पहले अपने पार्टी के नेता का ब्याह कराओ, सबको जीमने के लिए बुलाओ, पहले इसका घर बसाओ, उसके बाद भारत को जोड़ो, यह मेरी कांग्रेस पार्टी से अपील है। और इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि दिव्या मदेना अब जल्द ही हनुमान बेनीवाल पर पलटवार जरूर करेगी। क्योंकि आपको बता दूं, इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने दिव्या मदेना और राहुल गांधी की फोटो पर कैप्शन मांगा था और उस समय भी विधायक दिव्या मदेना ने यूपी के बीजेपी नेता अरुण यादव को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब देखने वाली बात यह रहेगी यहाँ पर दिव्या मदेना कैसे पलटवार करती है।